एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री गणेश जी सबके विघ्न दूर करें, ईश्वर सबको आनंदित रखें। प्रिय मित्रों, हस्त विश्लेषण परेंद्र सेठी का प्यार भरा नमस्कार। इस चैनल में आपका अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने अपने पहले के वीडियो में कहा था कि रिलेशनशिप पर कुछ रेखाओं के बारे में विश्लेषण करना बाकी रह गया है, उनके बारे में जानकारी अगले वीडियो में दे दूंगा। सो मैं नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं। इस वीडियो में जिन रेखाओं का विश्लेषण होना बाकी रह गया था, उन रेखाओं के विश्लेषण के आधार पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप किस तरह के साथी हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ पार्टनर यू आर। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो का टॉपिक वही है, आपका प्यार करने का क्या स्टाइल है या आप किस तरह के साथी। जी हाँ, साफ तौर पर आपकी हथेली की रेखाओं के आधार पर ये जानेंगे। पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हैं जी। थैंक यू। चर्चा चल रही थी एक छोटी और सीधी प्रेम रेखा वाले। तो एक छोटी और सीधी प्रेम रेखा वाले अक्सर अपने को स्वयं को प्रसन्न करने में, प्रसन्न रखने में आनंद लेते हैं। शॉर्ट और स्ट्रेट हार्ट लाइन वाले प्यार के मामले में शर्मीले और शांत हो सकते हैं। जब प्यार की बात आती है तो उन्हें अभिनय करने या अपनी भावनाएं व्यक्त करने में, भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने में समय लग जाता है। तो ऐसे लोग रिजर्व नेचर के होते हैं। इन्हें भावनाओं को समझने में, उस पर विचार कर प्रतिक्रिया देने में कुछ अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। पार्टनर ये कह सकता है या कह सकती है, आप रूखे हैं जी। तो ये बात भी सच है। एक वैवाहिक रिश्ते में शॉर्ट स्ट्रेट हार्ट लाइन वाले व्यक्ति वफादार और विश्वसनीय हो सकते हैं, लेकिन इनके पास इनकी आजादी व जीवन उद्देश्य को पूरा करने की मजबूत भावना भी होती है। दे लव देयर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शंस। आमतौर पर ऐसे लोग चौकन्ने, व्यवहारिक और जमीन से जुड़े हुए अच्छे सफल बड़े व्यापारी, लीडर, उद्यमी और निजी होते हैं, और दोस्तों और भागीदारों के साथ मात्रा से अधिक गुणवत्ता पसंद कर सकते हैं। क्वालिटी होनी चाहिए फ्रेंड्स में, दोस्तों में या अपनी टीम के लोगों में। चीजें गुप्त रखने में माहिर होते हैं। यह एक व्यवहारिक प्रेम शैली है। जाहिर है साहब, व्यवहारिक प्रेमी व्यवहारिक ही होगा। व्यवहारिक प्रेमी एक साथी में उनकी उम्मीदों के बारे में तर्कसंगत और वास्तविक रूप से सोचते हैं और तुलनात्मक सूची के आधार पर पार्टनर का चयन करते हैं। व्यवहारिक प्रेमी अपने साथी के साथ एक सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति कम सेक्सी होते हैं जी, ना ही खुले मन से उचित समय पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, और ये प्रेमी लोग स्वनिहित अपने में ही मस्त रहने वाले और गुप्त लोग होते हैं। तो आपको पता है दुनिया में संबंधों की सच्चाई क्या है? साफ है कि अगर दोनों पार्टनर अगर कम सेक्सी है, नो प्रॉब्लम। अगर दोनों पार्टनर अधिक सेक्सी है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब एक पार्टनर तो अत्यंत सेक्सी और दूसरा बहुत कम। तो लव लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको एक्सप्रेसिव होने की जरूरत है। दोनों पार्टनर्स को भावनात्मक तालमेल बैठाना आना चाहिए, ये मजाक नहीं है। व्यावहारिक प्रेमी बिना मतलब की टेंशन से बचने के लिए बेवफाई से बचेंगे। वो धोखा नहीं देंगे अपने पार्टनर को, लेकिन भरपूर प्यार भी नहीं दे पाएंगे, और रिश्ते को निभाने का सावधानी पूर्वक भरसक प्रयत्न करेंगे। यस, व्यावहारिक प्रेमी सेक्स को कम महत्व देंगे और कभी कभार करेंगे वो फिजिकल एंजॉयमेंट, और विवाह बच्चों को संभावित देनदारियों और संपत्ति के रूप में देखते हैं। इनसे पैसों की बात करा लें आप, कितनी प्रॉपर्टी होगी, बैंक बैलेंस कितना है, यार ये महंगा कपड़ा ले आई यार। तो व्यावहारिक प्रेम का लाभ व्यावहारिकता और यथार्थवाद है, अच्छा है। नुकसान ये है कि इनमें भावना की कमी होती है। अगर आपकी चाहत है कि हम तो कम में ही गुजर बसर कर लेंगे जी, हमें तो अपनापन चाहिए, एंजॉय करेंगे आपका अपनापन, हमें तो प्यार चाहिए, तो ध्यान देने की बात है। अगर आपके साथी के दोनों हाथों में ऐसी सीधी लाइन है जो मध्यमा के नीचे आकर रुक जाती है, तो समझें या आपका रॉन्ग नंबर लग गया।
अगर अभी उस साथी से सिर्फ दोस्ती ही है एंड ही और शी हैज नॉट फुली इंटर्ड इन योर लाइफ, तो आप अपना निर्णय देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो नहीं बदलेगा, मैं बता रहा हूँ, या वो नहीं बदलेगी, क्योंकि ये लोग प्यार कम और काम पर और अपने मिशन को पूरा करने पर अधिक फोकस करने वाले होते हैं। अपने चरम रूप में यदि अन्य कोई स्रोत में विफल हो जाएंगे, कमाई नहीं कर पाएंगे, तो अनैतिक आय में भी लिप्त हो सकते हैं, वहां भी संकोच नहीं करेंगे। तो आगे चल के हम ये देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े सफल जो व्यापारी और उद्यमी के हाथों में ऐसी लाइन हमें देखी जाती है, हम देखते हैं अगर हाथ पर दूसरे योग भी हों तो उनका एक मिशन होता है और उसी मिशन को पूरा करने में अपना समय, ताकत और ध्यान लगा देते हैं। ये जिम्मेदार होते हैं पर प्रेम प्रीति के लिए समय नहीं होता इनके पास। जब आपको संबंधित लाइन की कुछ रियल लाइफ की उदाहरण फोटोज के रूप में मैं बताता हूँ अभी आप, इनको तो आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, इनके हाथ के ऊपर एक पूरा एपिसोड शीघ्र ही बनाऊंगा। अब इनका हाथ देखिए आप, इनकी हार्ट लाइन एक्चुअली में ये ब्लैक स्पॉट पे रुक गई है। मैंने खराब नहीं की इनकी ओरिजिनल हार्ट लाइन पिक्चर में, ये ग्रीन लाइन से मैंने बताने का प्रयत्न किया है हार्ट लाइन कहाँ है, ये सैटर्न के नीचे ही आके रुक, तो ये सिंसियर हैं, सीरियस हैं। तो मेरा तो लोगों को कहना होता है कि शादी करना जरूरी भी नहीं है, भाई शादी कर दी तो करके भी छोड़ देंगे। मेरा सवाल ये होता है कि शादी के अलावा भी क्या आपके पास उससे भी महत्वपूर्ण मिशन है? हाँ है, तो शादी करना जरूरी नहीं है, लगाव, प्रेम, प्यार, अफेक्शन तो उस तरफ लग जाएगा, अपने मिशन की तरफ लग जाएगा। तो इनकी लव लाइन, और फिर ये इनकी जो इंडेक्स फिंगर, इन जैसा कोई है ही नहीं, ये इंडेक्स फिंगर इनकी देखिए रिंग फिंगर से भी बड़ी है, पर ये इनके प्रेम प्यार में ये त्याग की निशानी होती है, ये पैदा ही लीडरी करने के लिए हुए हैं। तो इनकी लव लाइन तो ब्लैक स्पॉट पर ही रुकी, इनकी विपरीत सेक्स के बंदे या बंदी के साथ आलिंगन बनाना अच्छा ही नहीं लगता है। तरण उंगली अनामिका से भी बड़ी है, इससे मामले को में पक्का मनमर्जी करें, लीडरी करने आए ये ऐसा इंसान, और उनका एक ही मिशन है, बस उस पर लगे हैं। अगर आपका विवाह का उद्देश्य चाहत इच्छा लगातार अतरंगता अपनापन और आत्मीयता प्यार लेना देना यह है, तो फिर ये आपका रॉन्ग नंबर हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। दे आर ड्राई इन लव मैटर्स। आई शो यू पिक्चर इन दिस कनेक्शन। ये चाइना के सफल खरबपति, नॉट अरबपति, खरबपति कंपनी के सीईओ वास्तव में हर्मिट है। ये सब छोड़ छाड़ के वापिस प्रोफेसर बन के, प्रोफेसर ही थे पहले, और इतना कमा के जायदाद चीजें वगैरह बना के खरबपति बनकर और वापिस प्रोफेसर बन के कॉलेज में पढ़ा रहे हैं चाइना में, और अपने घर के वातावरण में परिवारजनों के साथ रह रहे हैं। दोनों हाथों देखा जाता है, मैं कहता हूँ जो हाथ का विश्लेषण करते हैं ना तो दोनों हाथों को देखा जाता है। अब ये दोनों हाथ हैं, जैक मा बहुत फेमस आदमी है, तो जैक मा का दायां हाथ उनकी पब्लिक लाइफ बताता है। ये हर्मिट टाइप लव लाइन है, ये बाहर दुनिया में करेंगे तो काम पूरे मन से ही करेंगे, और आखिर में क्या करेंगे, तो ये जैक मा का बायां हाथ परमात्मा ने बनाया काई के लिए कि आप अपना का परिवार के साथ में रहो, अपनापन लोगों को ले ओ और दे ओ, प्यार लेना और देना, साथ में रहना, ऐसे काम करने के लिए ये बिग हार्ट लाइन, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तो किसी एक व्यक्ति के दोनों हाथों में अलग अलग तरह की लव लाइन हो सकती है। अगर आपका दायां हाथ सिग्नेचर हैंड है, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, कोई अंतर नहीं पड़ता है इसमें, इस नियम में, तो आपका दायां हाथ बताता है आपकी पब्लिक लाइफ के बारे में बताता है, और बायां हाथ बताता है आपकी प्राइवेट पर्सनल लाइफ के बारे में। तो यहाँ खरबपति जैक मा के दोनों हाथों में प्रेम रेखाओं में जमीन आसमान का अंतर है। बायां हाथ बताता है कि आखिर में अपने मूल को पहचान कर परिवार के प्यार व अपनेपन को महत्व देगा, और अपनों को परिवारजनों को बिना शर्त प्यार करेगा, ध्यान देगा, इनकी परवाह करेगा और सेवा करेगा। ये बिग हार्ट वाले लाइन की निशानी है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूँ। अब हम तीसरी तरह की लव लाइन के ऊपर आते हैं, इसको बोलते हैं घुमावदार भावुक कामुक प्रेमी रेखा। अन्य तरह की लव लाइन वह होती है जो शुरू तो होती है छोटी उंगली के नीचे से ही,
लेकिन आगे चलकर एक सुंदर घुमाव कर्व लेते हुए ऊपर की तरफ मुड़ती और आगे बढ़ती और मध्यमा उंगली के नीचे या मध्यमा व तर्जनी के मध्य समाप्त होती है, तो इसे उमंग जोश वाली लव लाइन कहा जाता है। इस प्यार रेखा को पैशनेट या भावुक कामुक प्रेमी रेखा कहा जाता है। इसमें दूसरे के साथ मिलने की तीव्र लालसा की स्थिति रहती है उनके मन में। इस प्रकार का प्यार किसी रिश्ते की शुरुआत में अधिक सामान्य होता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद प्यार की इस अवस्था में लोग एक दूसरे के लिए बहुत शक्तिशाली आकर्षण की भावनाओं का अनुभव करते हैं। यह लोग अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त कर लेते हैं। ऐसी लव लाइन रखने वाले को पैशनेट लवर या भावुक प्रेमी ये कहा जाता है। ये देखो एक पिक्चर के अंदर बता रहे हैं, ये ग्रीन लाइन बता रही है टर्न ली हुई है ऊपर जा रही है, इसको बोलते हैं पैशनेट लवर लाइन। एक और एग्जांपल है इसके पैशनेट लवर लाइन का, ये दोनों में ऐसी टर्न हो रही है। अब आगे चलते हैं तो ऐसे व्यक्ति में शारीरिक और भावनात्मक प्रेम का योग बहुत सुंदर और गहरा होता है। प्रेम प्यार का रूमानी तरीका उच्च कामुकता और तीव्रता लिए होता है। यह व्यक्ति एक नशे की लत वाला भी हो सकता है। इसका स्नेह प्यार जो धीरे धीरे समानता के आधार पर दोस्ती से विकसित हो सकता है, लेकिन प्रेम में शारीरिक आकर्षण पर सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। क्योंकि ये लोग अपनी भावनाएं अच्छी तरह से व्यक्त कर लेते हैं तो पारिवारिक कौटुंबिक आशीर्वाद लेकर सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब इन्हें मनपसंद के साथी मिलने के चांस अधिक होते हैं। आत्मसम्मान बताने वाली तर्जनी उंगली अगर रिंग फिंग के बराबर जा रही है तो लव मैरिज होती है। बड़ी लाइन वालों की तुलना में जो लाइन आगे तर्जनी उंगली तक जाती है, ये लोग कुछ थोड़े छोटे दिल वाले और मतलबी होते हैं। यह एक पुरुषोचित प्रेम की भावनाएं व्यक्त करने वाली लव लाइन होती है। फ्लर्ट करने वाले जिंदा दिल इंसान आशावादी एक्टरबाज पार्टियों की जान होते हैं। घुमावदार भावुक कामुक प्रेमी रेखा कर्ड लव लाइन वालों को बोलने का शौक होता है। इनको भावनाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है और जो बात सुनी उसमें से कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ के और नमक मिर्च मसाला लगा के आकर्षक बना के लोगों को बताते हैं। जब तक ये बता नहीं लेते इन्हें चैन नहीं आता। उदाहरण के लिए यदि आपके हाथ में ऐसी प्रेम रेखा है तो जब तक आप भावनाओं को व्यक्त नहीं कर लेते आपके सिर पर जैसे कि दबाव बना रहता है, और जब तक आप बोल नहीं देते तब तक चैन नहीं आता। और बोल लेते हैं और राहत महसूस करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर के प्यार की खुमारी में रहते हुए आनंद में रहता है। भावनाएं व्यक्त करने में माहिर तो होते ही है, इसके अलावा शारीरिक संपर्क से प्यार जताने को अधिक महत्व देने वाले होते हैं। और ये जब तक है जान इनमें तो इनमें हगिंग किसिंग रोजाना चाहिए ऐसे लोगों को। वह किसी न किसी नशे की लत वाला भी हो सकता है। हॉकी स्टिक की तरह हॉट लाइन कर्व अगर आगे जाके ले लेती है तो नशा तो करेगा ही भाई। इस प्रकार की प्रेमिका से पता चलता है कि बाहरी विकृतियां उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। इसके अपने उसूल पक्के होते हैं, जो करना है वो करके ही रहेगा। और मैं तो इसको पुरुषोचित प्रेम रेखा कहता हूँ, मतलब मैस्कुलाइन लव लाइन। और साथियों मित्रों इस वीडियो में इतना ही। रिलेशनशिप पर कुछ और लव लाइन के बारे में आवश्यक जानकारी देना बाकी रह गया है, उसका विश्लेषण अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा जी। आशा है कि आपको ये वीडियो और इसकी सामग्री पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो के बेल आइकन को दबा दें, लाइक पर क्लिक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपकी जान पहचान वालों को मित्रों को संबंधियों को भी इस बारे में पता चल जाए। और अच्छा होगा कि इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको सूचना मिल जाया करे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ईश्वर सबको आनंदित रखे। अगर आप अपनी पसंद अनुसार किसी खास विषय पर या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद बता सकते हैं। और आपको वीडियो ये कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट कर दें तो धन्यवाद। अगला एपिसोड के बारे में हाल फिलहाल तो मैंने ये तय कर लिया कि ये रिलेशनशिप के विषय पर कुछ और लव लाइंस के बारे में आवश्यक जानकारी देना रह गया है, तो उसका विश्लेषण अगले एपिसोड में करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसका देखने के लिए। तो मेरा तो मैसेज होता है, योर डेस्टिनी इज लिटरली इन योर हैंड, लर्न एंड नो इट योर सेल्फ। Try to live the life you were meant to live and enjoy, don't live another's life.
मैं हूं परेंद्र सेठी, आपका हास्य विश्लेषक, आपकी ढेर सारी खुशियों के साथ। तो एंजॉय, हैव नाइस टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, दिस वीडियो।